राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने सदन में मुख्यमंत्री के द्वारा बालू को लेकर बड़ी घोषणा का स्वागत किया और कहा कि इससे राज्य के गरीबों को राहत मिलेगी, अब वह आवास योजना के तहत बन रहे निर्माण में तेजी आएगी। वहीं विपक्ष के आरोप पर भी इरफान अंसारी ने पलटवार किया। मुझे फोन कर रहे हैं लोग, फोन कर रहे हैं, अब जो ग्राम आम जनता, जो आदिवासी, जो मूलवासी है वो मजबूत होगा। बाहर जो लोग बालू ले जा रहे थे उस पर लगाम लगेगा। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि इस घोषणा से बालू मुफ्त में मिलेगा और जो इनकम टैक्स पे ही है उनको छोड़कर सारे लोगों को बालू मिलेगा, तो सारे लोगों को मैं ये खुशी की लहर है। और बीजेपी का तो लगता है कि जो भाजपा कार्यालय अब ताला बंद हो जाएगा। अच्छा, वहाँ भानु प्रताप शाही ने आपसे एक सवाल पूछा है कि जब भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात होती है आप कुर्सी छोड़कर उठ क्यों जाते हैं, आपसे सवाल पूछा है। देखिए भानु प्रताप शाही, वेट कीजिए, उसके सीने में तो हम लोग चलाने का काम करेंगे। बहुत हो गया अब, बहुत हो गया। जलील इतना कर रहा है ना, वो समाज को जलील करने का काम किया जा रहा है। और वो बाहरी आदमी आकर झारखंड में बस गया, आदिवासी की जमीन पर उसका महल है, उसका क्या कहते फार्म हाउस है, 100 एकड़ का फार्म हाउस है, ये आदिवासी की जमीन पर है। तो जो बालू वो भी मुफ्त में बालू लिया है, तो आज फ्री मिलेगा। तो वेट कीजिए, 2024 में ये सपना दिखा रहे थे कि हम लोग नहीं आएंगे, अब वो नहीं आएंगे। और हम लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 24 के बाद जब हम लोग आएंगे तो वो आदिवासियों का जो फार्म हाउस है, भाजपा का एक्सपर्ट है क्या, कब लागू होगा? घोषणा हो गया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, उसी समय से लागू हो गया दिए। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर भाजपा को जरा भी नैतिकता है, जरा भी लज्जा है, तो चुप हो। मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद।